हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब मज़े में होंगे और मज़े में होना भी चाहिए। तो चलिए हंसते खेलते आज हम लोग देखते हैं ये वीडियो 13 का पार्ट 3। और इसमें हम कवर करेंगे 81 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक, मतलब टोटल होंगे इसमें 40 क्वेश्चन आपके सामने। ये सभी क्वेश्चंस होंगे वस्तुनिष्ठ। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पहले से पता होगा, ये इन्फॉर्मेशन मैंने उनको दी है जो पहली बार इस चैनल के साथ में जुड़े हैं या फिर पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आपने ये बुक लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, अगर आप बहुत एक्टिव स्टूडेंट हैं और आपने ईमानदारी के साथ ये बुक पढ़ी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज स्कोर अच्छा आने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इस बुक में से लिए गए हैं। और ये जो बुक है आपके सामने, जो ऑब्जेक्टिव बुक है लूसेंट की, उसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसलिए एक एक क्वेश्चंस को आपने ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है। आपका जो भी स्कोर बनता है मुझको भेजना है अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है, आपको आइडिया नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो इस बुक की कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में। वहां पर जाइए, ऑडियो वीडियो दोनों हैं, आपको सुनना नहीं है आपको देखना है। तो आप क्लिक करेंगे लुसेंट जी के वीडियो की प्लेलिस्ट में, ओपन करिए बुक को, पास में लेके बैठिए। एक एक पॉइंट को जो मैं अपनी उस वीडियो में हाईलाइट करवा रहा हूँ, उसी पॉइंट को अपनी बुक के साथ में हाईलाइट करिए और पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 81, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? तो आपके सामने चार पर्सनैलिटी के नाम हैं। पहला है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड आपका इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, और थर्ड ऑप्शन है नसीरुद्दीन कुबाचा, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ताजुद्दीन यलदीज। तो फ्रेंड, फटाफट से लगा दीजिए अपना आंसर। जो भी आपको लग रहा है आंसर सही हो सकता है, तो फटाफट पेपर पर लिख लीजिए और मेरे आंसर के साथ में उसको टैली करिए। तो 81 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है 82। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा पूरे क्वेश्चन पे कि वो क्या क्या चीज़ें हमको इसमें बता रहा है, हमारी नॉलेज को इनक्रीज कर रहा है। और उसके बाद में ऑप्शन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, इनमें से कोई भी नहीं। 82, तो 82 का राइट आंसर होगा आपके सामने कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है 84 की, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। 83, 83 का राइट आंसर होगा आपका ए, रामचंद्र देव। तो करते हैं इसको हाईलाइट। देखिए शायद आपको थोड़ी सी आवाज़ बाहर की साइड से आ रही होगी, क्योंकि नियर में हमारे एक पार्क है और वहाँ पे बच्चे वगैरह खेलते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग एक्चुअली ये डे में कर रहा हूँ, नाइट में रिकॉर्डिंग में नहीं करता, क्योंकि वर्क के बाद में थक जाता हूँ, थोड़ा आराम करना होता है। जब भी टाइम मिलता है डे में मैं रिकॉर्डिंग करना आपका स्टार्ट कर देता हूँ। 84 नंबर हमारे सामने, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। 84 राइट आंसर होगा इसका आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है 85, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था आपका चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। 85 राइट आंसर होगा इसका आपका ए, चौधरी। अगला क्वेश्चन है 86, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। 86 राइट आंसर बी। अगर आपको मेरी स्पीड पढ़ने की बहुत फास्ट लग रही है, तो इसी स्पीड से आपको अपने एग्जाम में पढ़ना है। तो स्पीड मेरी फास्ट नहीं है, आपके पढ़ने की स्पीड हो सकता है स्लो होगी। तो प्लीज़ एग्ज़ाम में जिसकी तैयारी अच्छी होती है उसको टाइम कम पड़ता है और टाइम मेंटेन होता है कि आपको स्पीड में क्वेश्चन रीड करना है,
समझते हुए उसका आंसर देना है, राइट। तो अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। सबसे अधिक गुलाम, ठीक है, 87 राइट आंसर होगा इसका आपका, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 88 है कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और शेर शाह सूरी। 88 राइट आंसर है ये, फिरोज तुगलक। देखिए, जो भी रोजगार से संबंधित जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपने सुना होगा नाम, ये तो वहाँ पे क्या होता है, जितना भी यूथ होता है 10वीं के बाद या 8वीं के बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखवाता है, रजिस्टर करता है अपना नाम वगैरह। उसमें क्या होता है कि सरकारी जो भी वैकेंसी निकलती है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले कॉल करते हैं उस पर्सन को कि हाँ आप बेरोजगार हैं तो आपको हम रोजगार का ऑफर दे रहे हैं। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है, कॉल आती है फिर नहीं आती है मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में भी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस, तो वहाँ से मैंने आज तक कभी कॉल वगैरह नहीं देखी है। फाइनली ये है कि करते भी हैं कॉल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको तो कभी नहीं मिली आज तक। अगर आपको मिली तो अच्छी बात है, लेकिन अब जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस हो चुका है वो हो चुका है कंपटीशन माध्यम, कंपटीशन को क्रैक करो, सिलेक्शन लो। पॉइंट नंबर 89, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। 89, 89 का राइट आंसर है आपका बी, फिरोज तुगलक। देखिए, अगर तुगलक वंश की बात करी जाए, सबसे अच्छी पर्सनैलिटी वाला जो था पर्सन वो था फिरोज तुगलक। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 87, कितना अच्छा काम करा है इसने। 88 में देखिए और 89 में देखिए, तो मतलब कहीं ना कहीं इसने कुछ अच्छे काम भी करे, कुछ गलत भी करे, तो एग्जाम में प्रायोरिटी आती है मैक्सिमम पॉजिटिव, मतलब अच्छे काम करने वालों की। 90 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था? मुसलमान, कुषाण, सीथियंस, मुगल। 90 राइट आंसर है इसका, मुसलमान। 90 नंबर है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन, अल बरूनी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी। 91 राइट आंसर होगा इसका आपका सी। अगला क्वेश्चन है 92, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। 92 राइट आंसर सी, अलाउद्दीन खिलजी। 93 नंबर है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन क्या थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। 93 राइट आंसर है इसका, लाहौर। अगला क्वेश्चन है 94 के, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलुग खां। 94 राइट आंसर होगा इसका ए, जफर खां। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उर्स, मुक्ताई। ऑप्शन आपके सामने चार, ए बी सी डी। ध्यान से देखिए, विचार करिए और राइट आंसर दीजिए इसका। 95 राइट आंसर डी, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर है 96, तुगलक नामा के रचनाकार कौन है? बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, इसामी। 96 राइट आंसर होगा इसका आपका सी, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन, जलदोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और नसरुद्दीन कुबाचा। 97 राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 98, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। 98 राइट आंसर होगा इसका बी, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बात करते हैं 99 की, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल
किन धातुओं के बने थे? चांदी चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। 99 राइट आंसर होगा इसका ए, चांदी चांदी तांबा। मतलब टंका चांदी का, सजगनी चांदी का, जीतल था तांबे का। तो 100 नंबर है। अमीर को ही मतलब कृषि विभाग नामक एक नया विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। 100 राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक सी। 101 नंबर है हमारे सामने कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। 101 नंबर हमारे सामने, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी, खड़ी बोली। 102 है हमारा, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहरोद लोदी, फिरोज तुगलक एंड नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 102 राइट आंसर होगा इसका आपका डी। क्वेश्चन नंबर 103 है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, जीतल, रुपया, टंका। 103 राइट आंसर है आपका डी, जीतल और टंका। क्वेश्चन नंबर 104 है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने। 104 राइट आंसर है इसका तुर्को ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, याद रखिएगा। 105 किसने एक तरह संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, शेर शाह, अकबर। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा इसका। 105 का राइट आंसर है आपका बी, महमूद गजनवी। देखिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका रिप्लाई आपने मुझे करना है कमेंट बॉक्स में। इसी से संबंधित इसी वीडियो में से एक क्वेश्चन निकाल करके आपसे पूछूंगा, अगर आप रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आप सोच लीजिएगा कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, कितनी ईमानदारी से इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर अब तक कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे थे, कितनी जल्दी आपके माइंड में डेप्रिसिएशन लग रहा है भूलने का, ठीक है, याद रखने का। डेप्रिसिएशन जो आपका लग रहा है उसको एक बार विचार करिएगा, वरना फिर तो अगला भी एग्जाम आएगा, आते रहेंगे एग्जाम। एग्जाम तो हर साल होते हैं, लेकिन उम्र बहुत जल्दी खिसक सकती है, ये बस याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 में, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, या फिर उजबे खां। 106 राइट आंसर होगा इसका आपका ए, गाजी मलिक। 107 जवाब भी थे क्या? कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 107 राइट आंसर बनेगा इसका आपका बी। अगला क्वेश्चन है 108 कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? एलबरी, खिलजी, तुगलक, लोदी। 108 राइट आंसर होगा इसका आपका सी, तुगलक। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कथन ए कथन आर, दो सेंटेंस दिए गए हैं और हमको कौन किसकी व्याख्या है, कौन किसकी व्याख्या नहीं है, या फिर कौन सा कथन गलत है, ये हमको चूज करना है इसमें। तो वीडियो को पॉज करिए, पूरा सेंटेंस पढ़िए, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज थिंक अबाउट इट, वीडियो को पॉज करिए। तो फ्रेंड 109 राइट आंसर होगा इसका आपका सी, ए सही है, आर क्या है इसमें गलत। 110 नंबर है हमारे सामने, अगेन वीडियो को पॉज कर लीजिए, लेखक और उनकी पुस्तक के नाम हमको मिलान करना है इसमें, तो करिए वीडियो को पॉज, निकालिए अपना राइट आंसर क्या रहेगा। 110 राइट आंसर होगा इसका आपका ए। अगला क्वेश्चन है 111, तोल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रत्ती, मासा, तोला, द्रोण। 111 राइट आंसर होगा इसका ए। कहते हैं कि उसको ना रत्ती भरक फर्क नहीं पड़ता, रत्ती मतलब तिल के बराबर, रत्ती मतलब सबसे छोटी इकाई, कहते ना उसको जितना भी बोल लो भैया रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता उसको, तो वो तो बड़ा नालायक इंसान है। हम सेंटेंस में यूज करते हैं रत्ती, रत्ती मतलब क्या है,
तोलने की जो मेजरमेंट, जो वेटेज वाली जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई है आपकी रत्ती। क्वेश्चन नंबर 112, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के? 112 राइट आंसर होगा इसका आपका ए। अगला क्वेश्चन है 113, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, फरिश्ता, इबन बतूता, जियाउद्दीन बरनी? 113 राइट आंसर होगा इसका आपका सी, इबन बतूता। 114 नंबर है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1210, 1398, 1492, 1526? 114 राइट आंसर होगा इसका आपका बी, 1398। 115, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह? तो बताइए 115 का राइट आंसर क्या रहेगा। 115 का राइट आंसर है आपका बी, मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 116 में, दिल्ली के सल्तनत बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था? जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन, कुतुबुद्दीन? 116 राइट आंसर है इसका गियासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन है 117 कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश? 117 राइट आंसर होगा इसका बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 118, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला? 118 राइट आंसर होगा इसका आपका सी, हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 119 है, दिल्ली का सल्तनत जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात मतलब दान विभाग स्थापित किया था? इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन शाह एंड बहलोद लोदी? 119 राइट आंसर होगा इसका बी, फिरोज तुगलक। बताया था मैंने अभी आपको फिरोज तुगलक के बारे में, देख लीजिए वही नाम रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? वीणा, ढोलक, सारंगी, सितार? तो 120 राइट आंसर होगा इसका आपका डी, सितार। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मैं पूछता हूं आपसे इसी वीडियो में से एक क्वेश्चन, ये है आपके लिए क्वेश्चन कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? इसी वीडियो में 75 नंबर अभी आपने क्वेश्चन देखा था, और दीजिए बिना किसी चीटिंग के साथ अपना आंसर कि इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिख करके, और आपका जो भी फाइनल स्कोर बनता है वो मुझको बताइएगा कि आपने 40 में से कितना स्कोर गेन करा। दो कमेंट करने हैं, एक इसका आंसर भेजना है और 40 में से क्या स्कोर बना आपका वो मुझको भेजना है। अगर आपके मन में है कि यार ठीक है नहीं भेजता छोड़ो यार क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दो, ऐसे के विचार आपके मन में है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैरियर आपका है, सिलेक्शन आपकी है, जॉब आपकी है और जॉब से मिलने वाली सैलरी भी आपकी है। हमारा काम आपको गाइड करना है, आपका काम हमारी जो गाइडेंस है उसको फॉलो करना या फिर उसको गो टू हेल मतलब नज़रअंदाज करना, एज यू विश, जैसा भी आप कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि कुछ स्टूडेंट खुराफाती होते हैं, उनके अजीब गरीब कमेंट आते हैं, तो ठीक है उनके कमेंट आने से मुझे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, पढ़ने वाला मुझे पक्का यकीन है कि वो रिप्लाई भी करेगा इस आंसर का भी, और अपना स्कोर भी मुझको पक्का भेजेगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, बाय बाय। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम विद द हेल्प ऑफ फेसबुक व्हाट्सअप।